देश का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिस शो के करीब 4 जनरेशन कंप्लीट हो जाएंगे इस जनरेशन कंप्लीट होने के बाद। लेकिन आखिर क्या वो बड़ी वजह है जिसके चलते अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुके राधन शाही अपने बिल्कुल भी उस मूड में नहीं है कि वो शहजादा को एक बार फिर शो में लेकर आए। शहजादा धामी और प्रतीक्षा को, जो कि शो में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मेन लीड एक्टर्स को रातों रात टर्मिनेट कर दिया गया हो, तो क्या है वो बड़ी वजह जिसके चलते राधन शाही अपने शो की TRP गिरा सकते हैं लेकिन शहजादा धामी को एक बार फिर शो में री एंट्री नहीं कराना चाहते हैं। तो उसके सामने आ चुकी है ये 3 बड़ी वजह। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, इस समय ये रिश्ता क्या कहलाता है सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी का केंद्र बना हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं है राधन शाही का शो जो रहा है ये रिश्ता क्या कहलाता है जितना पॉपुलर है, जितने बड़े इस शो से निकलने के बाद एक्टर्स हुए हैं इस शो की कॉन्ट्रोवर्सी भी उतनी ही बड़ी रही है। चाहे हिना खान हो, शिवांगी जोशी हो, प्रणाली और हर्षद के अफेयर की चर्चा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस शो से जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये शो इसीलिए देश का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो है। इस शो ने बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स को बनाया है और कई सारे लोग की ज़िंदगी सवारी है। लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ जब राधन शाही ने कुछ ऐसा फैसला लिया जिसके बाद टेलीविज़न इंडस्ट्री मानो हक्की बक्की रह गई। लोग शॉक्ड हो गए कि राधन शाही आखिर इतना काम डाउन रहने वाले अब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कट्स, जो कि इतना बड़ा नाम है, इनके कई सारे शोज़ हैं और Top 5 में स्टार प्लस के हर बार राधन शाही का शो रहता है, फिर चाहे वो अनुपमा हो, ये रिश्ता क्या कहलाता हो, या फिर ऐसे कई सारे शो हैं। लेकिन राधन शाही एक बार फिर निशाने पर आ गए हैं। फैंस के लगातार जो सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं कि शहजादा को शो में लाया जाए, लेकिन राधन शाही अब अपना फैसला ले चुके हैं। उन्होंने रिप्लेस कर दिया है रोहित पुरोहित के साथ और अब प्रतीक्षा को भी शो में नहीं लाना चाहते हैं। उसका सबसे मेजर रीज़न है, जब राधन शाही ने इन एक्टर्स को शो से निकाला था उसके बाद मीडिया के सामने एक इंटरव्यू दिया था और राधन शाही ने कहा था कि किसी भी एक्टर्स, अगर आप एक्टर हो हम आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन तब तक इज्जत करेंगे जब आप मेरे साथ मेरे सेट पर आप किसी के अफेयर की चर्चा नहीं होनी चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा एक्टर हो, कितना छोटा एक्टर हो, मायने नहीं रखता, मेरे शो से बड़ा कोई एक्टर नहीं हो सकता है। ये दोनों एक्टर्स अपने काम को तवज्जो नहीं देकर लगातार क्रू मेंबर के साथ बदतमीज़ी करना हो, एक साथ मेकअप रूम में बैठना हो, लगातार इनकी अफेयर की चर्चाएं पूरे के पूरे सेट पर चल रही थी, ये राधन शाही की तरफ से बयान आया था जो निकालने की सबसे मेन रीज़न था। राधन शाही ने मीडिया इंटरेक्शन से कहा कि अगर आप प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं करोगे तो आप घर जाओ, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। शहजादा धामी को निकालने की ये सबसे बड़ी रीज़न बताया है राधन शाही ने। दूसरा ये मेन रीज़न है कि राधन शाही की ये रिश्ता क्या कहलाता है शो की TRP गिर रही है, लेकिन बावजूद उसके वो शहजादा को वापस नहीं लाना चाहते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह है कि अगर आप टेलीविज़न इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हो तो आपको पता होगा एकता कपूर, राधन शाही, ये बहुत बड़े नाम हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े TV शो दिए हैं। इवन आज भी अगर आप देखो तो Number 1, Number 2, Number 3, Number Top 5 की कैटेगरी में राधन शाही का शो रहता है और बहुत बड़े टेलीविज़न के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर माने जाते हैं। इन्होंने जो पॉपुलैरिटी कमाई है, जो इज्जत कमाई है, जो नाम कमाया है, उस नाम को नहीं गंवाना चाहते हैं। राधन शाही बिल्कुल भी नहीं चाहते कि शहजादा को वापस लाकर उनकी बेइज्जती हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शो से निकाला था उसके बाद हर तरफ एक चर्चा बनी हुई है कि अगर आप राधन शाही के शो में काम कर रहे हो तो आप अफेयर नहीं कर सकते हो किसी के साथ, आप बदतमीजी नहीं कर सकते हो किसी के साथ, फिर चाहे वो आप कितने ही बड़े एक्टर क्यों ना हो जाओ। तीसरा ये बड़ा रीज़न है जिसके चलते राधन शाही ने बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के तहत शहजादा धामी और प्रतीक्षा को कतई मौका नहीं देना चाहते हैं शो में। देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, राधन शाही ने एक बार फिर अपना पुराना पासा फेंका है ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में। जिस तरीके से TRP डाउन हो रही है, सभी को पता है कि हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़, जो कि इसके पहले के जनरेशन के एक्टर्स रहे हैं, एक बार फिर उनकी स्टोरी को चलाया जा रहा है और लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कह लीजिए या फिर इमोशनली एक बार फिर उन लोगों को, सभी को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से अभिरा अपनी माँ को याद कर रही हैं, प्रणाली राठौड़ को एक बार फिर शो में लाने की कोशिश की जा रही है कि जो जनता है ये रिश्ता
की फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, बहुत एक बड़ा तबका है जो इस शो को सालों साल देखता आया है। और जब शहजादा धामी ने लोगों के दिल में जगह बना ली, अभी तो लोग हर्षद और प्रणाली को भूल भी नहीं पाए थे, लेकिन जब शहजादा की एंट्री हुई तो अरमान ने एक अलग ही दिल में जगह बनाया था फैंस के, जो लगातार सोशल मीडिया पर भी नज़र आ रहा है। तो हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ को एक बार को मौका दे देंगे, लेकिन राजन शाही ने एक बार फिर तय कर लिया है कि वो किसी भी हालत में शहजादा धामी और प्रतीक्षा को नहीं लाना चाहते हैं शो में। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि एक बार किसी एक्टर का रिप्लेसमेंट कर दिया गया है तो दूसरे बार उसको दूसरा मौका दिया जाए। इससे ऑडियंस पर भी बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप किसी शो को डेली देख रहे होते हो तो उन एक्टर्स की केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब नए नए चेहरे आपके सामने आएंगे, जाहिर सी बात है आप खुद उन एक्टर्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाओगे, और ऐसे में सबसे बड़ा झटका लगेगा राजन शाही को और उनके शो को। तो ये थे वो तीन बड़ी वजह जिसके चलते राजन शाही अपने शो की TRP गिराने को तैयार हैं, लेकिन शहजादा धामी को शो में वापस नहीं लाना चाहते हैं। फिलहाल आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन, और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।